नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे आईपीएस अशोक कुमार ने सामाजिक संगठनों जुड़े लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश की पुलिस को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जाएगा जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ हो। कुमाऊं में महिला थाना खोलने के मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि महिला थाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर थाने में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती है और महिला अपराध में सख्ती से निपटा भी जा रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि साइबर क्राइम आज के सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती है। पुलिस ऐसे मामलों में सख्ती भी दिखा रही है और कहीं नाइजीरियन अपराधियों की गिरफ्तारी भी किया गया है। साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम से निपटने के लिए जन जागरूकता को बेहद जरूरी बताया। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। लेटेस्ट चुनौती है पुलिस के लिए, पूरे समाज के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है। कारण सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और सब कुछ ऑनलाइन में आप देखेंगे इवन शिक्षा आज की तारीख में ऑनलाइन हो गया, जॉब्स ऑनलाइन हो गया, पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गया। तो ऐसे में नेचुरल है कि क्रिमिनल भी ऑनलाइन है। जब पैसा ऑनलाइन आ गया तो अपराधी भी ऑनलाइन है। सर आपके इसी तरह सोशल संबंध ऑनलाइन होगा, सोशल रिलेशन ऑनलाइन हो गए ना, फेसबुक और इस सब पे रिश्ते बन रहे हैं तो वहाँ भी क्राइम शुरू हो गया महिलाओं के साथ, मतलब बदतमीजी या बुलिंग। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है कि क्राइम ये इसमें बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें जागरूकता की जरूरत है, तो हमें समाज का सहयोग चाहिए। हम जागरूकता भी फैला रहे हैं, हम क्राइम को लिख भी रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड पुलिस ने नाइजीरियन अपराधियों को, उड़ीसा अरुणाचल के अपराधियों को, झारखंड के अपराधियों को पकड़ा है और आगे ही पकड़ते रहेंगे। बड़े बड़े केस खोले जाए, 56 लाख का होगा, 55 लाख का होगा, तो करते रहेंगे। पर लोगों को भी इसमें जागरूक रहने की।